नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क हर कदम तरक्की की ओर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज राज्य स्थापना दिवस है दोस्तों। हम लोगों ने अपना नया स्टूडियो सेटअप किया है। हम लोग लगातार आप लोगों को मॉर्निंग में खबरों के प्रति जागरूक करते रहे हैं। हमारी अब कोशिश है कि आप लोगों को दोपहर और शाम को भी खबरें आपको लगातार देते रहें। उम्मीद है जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सुबह सहयोग किया, शाम की खबरों में भी आप लोग लगातार बने रहेंगे। कोशिश है कि शाम 6 बजे आपको हम बुलेटिन रेगुलर देते रहें। नमस्कार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया देश के सबसे लंबे सस्पेंशन डोबरा चांटी ब्रिज का उद्घाटन। खबर में बताएंगे क्यों है ये पुल देश में नंबर वन। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को ठहराया जिम्मेदार। जाने किस मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह की CBI जांच की मांग। दिसंबर से शुरू होंगी ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में छात्र छात्राओं की क्लासेस। ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा का दिया जाएगा ऑप्शन। 16 नवंबर को मनाया जाएगा भाई दूज का पवित्र त्यौहार। इस साल केवल 2 घंटे का होगा टीके का शुभ मुहूर्त। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन कर दिया है। उत्तराखंड में बना यह देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। इस ब्रिज से टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रतापनगर के लोगों ने इसके लिए लंबे समय का इंतजार किया है। राज्य स्थापना दिवस पर ये उनके लिए सौगात है। अब लोगों को टिहरी जाने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। इस पुल को आकर्षक भी बनाया गया है जिससे यह पर्यटन का केंद्र भी बन सके। बता दें कि डोबरा चांठी पुल देश का सबसे पहला झूला पुल है जिसकी लंबाई 725 मीटर है। इस पुल को भारी वाहन चलाने लायक बनाया गया है। समुद्र तल से 850 मीटर की ऊंचाई पर बने इस पुल की चौड़ाई 7 मीटर है जिसमें से 5.5 मीटर पर वाहन चलेंगे। बाकी के 1.5 मीटर को पर पुल के दोनों तरफ 75-75 सेंटीमीटर फुटपाथ बनाए गए हैं। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है जिसमें से 440 मीटर झूला पुल है। वहीं 260 मीटर डोबरा साइड पर 25 मीटर का अप्रोच पुल चांटी की तरफ बनाया गया है। पुल के दोनों किनारे पर 58-58 मीटर ऊंचे 4 टावर निर्मित हैं। वहीं पुल के प्रोजेक्ट मैनेजर और लोनेवी के EESS मखलोगा का कहना है कि भारी वाहन चलाने लायक यह देश का पहला झूला पुल है। और हमने एक साथ लगभग 80 करोड़ से अधिक, मैं समझा मुझे ठीक से अगर ध्यान है तो शायद 88 करोड़, एक मुश्त हमने 88 करोड़ रुपया यहाँ के लिए मुक्त किया और एक केबल ब्रिज बनकर तैयार हुआ। और एक केवल प्रतापनगर वालों के लिए नहीं, टिहरी वालों के लिए नहीं, बल्कि ये तमाम जो पर्यटक इस राज्य में आते हैं निश्चित रूप से उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र है, एक ऐतिहासिक ब्रिज ये बना है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के BJP पर आरोपों की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने हल्द्वानी में नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। इसके साथ ही उत्तराखंड में भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड में 400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने बड़ी ही मेहनत से गरीब व मजदूरों के रजिस्ट्रेशन कराए थे और वर्तमान सरकार में गरीबों के हक में डाका डालते हुए 400 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस कर्मकार कल्याण के अध्यक्ष रहे हैं। हाल ही में उनको हटाया गया है जिसके बाद कर्मकार कल्याण बोर्ड में एक के बाद एक कई कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसमें बड़े भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। पूर्व CM हरीश रावत ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से इस भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच, SIT जांच कराई जाने की मांग की है जिससे कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार ऐसे मामले को जनता के समक्ष लाती रहेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए भी BJP सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने एक तरफा बिना परामर्श के अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरे में डाला और नोटबंदी थोप दी देश को। अब खबर ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग मोड की। दिसंबर माह से ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के हल्द्वानी परिसर में छात्रों की कक्षा शुरू हो जाएंगी। परिसर में डिस्टेंस लर्निंग मोड में AICTE अप्रूव्ड MBA और MCA कोर्स भी शुरू कर दिए हैं। ग्राफिकेरा एजुकेशनल ग्रुप के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर कमल घनशाला ने जानकारी दी कि नए परिसर में प्रशासनिक कार्यालय के साथ ही क्लासरूम, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ आदि तैयार हो चुके हैं। COVID-19 को देखते हुए छात्र छात्राओं को कक्षाओं में आने या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का विकल्प दिया गया है।
डॉक्टर घनशाला के अनुसार ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी और ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी के देहरादून, भीमताल और हल्द्वानी परिसरों में 1 दिसंबर से सभी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। क्लासेस के लिए छात्र छात्राओं को कक्षा में आने या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने में से कोई एक विकल्प खुद चुनने का अवसर दिया गया है। बता दें कि ग्राफिकेरा कॉलेज में ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE अप्रूवल के बाद देहरादून और हल्द्वानी में डिस्टेंस लर्निंग के जरिए MBA और MCA कोर्स शुरू कर दिए गए हैं। इनके साथ ही डिस्टेंस लर्निंग मोड में BBA, BCA और BCOM कोर्स चलाए जा रहे हैं। वो दोनों ऑप्शंस दिए हैं, अगर वो ऑनलाइन सेमेस्टर को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और अगर उनको फिजिकल यहाँ प्रेजेंस दे के क्लास लेनी है तो यहाँ आ सकते हैं, और उसके लिए पहले उनको प्रॉपर जो है कोविड का टेस्ट वगैरह करवा के वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरा करना पड़ेगा। अब खबर भाई दूज के शुभ मुहूर्त की। भाई दूज एक ऐसा त्यौहार है जो एक भाई और बहन के बीच के बंधन को दर्शाता है। भाई दूज आमतौर पर कार्तिक माह में पड़ता है। दिवाली के ठीक 2 दिन बाद यह तारीख आती है। इस अवसर पर बहन तिलक लगाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। भाई दूज पर लोग मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा करते हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार अपनी बहन की पुकार का जवाब देने के लिए मृत्यु के देवता यमराज दोपहर के भोजन पर अपनी बहन से मिलने के लिए पहुंचते थे। भाई इस अवसर पर अपनी बहनों को उपहार भी देते हैं। इस वर्ष भाई दूज का पर्व 16 नवंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त का समय दोपहर 1:10 से शुरू होकर 3:18 तक का है, यानी शुभ मुहूर्त का कुल समय 2:08 का है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।